मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए कटिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रतिभा में निखार आए और आगे चलकर राष्ट्र के निर्माण में वह सशक्त रूप से अपना योगदान दें। दरअसल ये बात स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने शासकीय एक्सीलेंस स्कूल इछावर में अभिभावक शिक्षक मिलन समारोह में कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले सत्र में 9वीं-10वीं कक्षाओं में NCERT की पुस्तकें शुरू की जाएंगी। शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन यहाँ इछावर यानी एक्सलेंस स्कूल की बात की जाए तो इस एक्सलेंस स्कूल में तकरीबन 11.5 एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जा है लोगों का, स्कूल ग्राउंड पर कब्जा कर रखा है। यदि मॉडल ग्राउंड की बात की जाए, मॉडल स्कूल की बात की जाए, तो वहाँ भी 10 एकड़ ज़मीन जो स्कूल की है, जो खेल ग्राउंड के रूप में दी गई है, उस पर भी अतिक्रमण सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। लगातार बच्चे जो हैं यहाँ पर उनकी समस्याओं को प्रशासन से अवगत करा रहे हैं पिछले 3 साल से, लेकिन कोई सरकार अभी तक भी इस पर ठोस कदम नहीं उठा पाई है। क्या कारण है? जहाँ जहाँ भी स्कूलों में कब्जा है, निश्चित रूप से मैं कलेक्टर से बात करूँगा कि उन स्कूलों से अवैध कब्जा विधिवत रूप से उनको हटाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इछावर हायर सेकेंडरी स्कूल की बात की जाए या कन्या हायर सेकेंडरी की स्कूल की बात की जाए या पूरे 6 संकुल की बात की जाए, तो सभी प्रभारी प्राचार्यों के वहाँ पर पद पर मौजूद हैं, स्कूल में प्राचार्य भी नहीं है। देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के वजह से जो मध्य प्रदेश सरकार में प्रमोशन पर रोक लगी हुई है, इसलिए प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ जहाँ पद हैं तो हम उनकी पूर्ति जो उपलब्ध है, हमारे संसाधन है, उनका उपयोग करते हैं।